ओके गाइस, तो अभी हम लोग समंदर के बीचों बीच फंसे हुए हैं। ये है नेथन और इसके साथ है इसका भाई सैम। और भाई बहुत ही खतरनाक सीन होने वाले हैं। समंदर देखो, पीछे लहरें कितनी ऊंची ऊंची उड़ के आ रही है। भाई बच पाओगे? और ऊपर से इनके ऊपर हो रखा है हमला। पूरी स्टोरी बताऊंगा, जुड़े रहो साथ में। भाई चला 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 चला, ये देखो पीछे से आ रहे हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए। भाई तीन चार बोट हैं, ज्यादा ही लोग हैं। कोई नहीं, अपने को बचना है। टेंशन मत ले भाई सैम, ठीक है? तो अभी एक बंदे को, हाँ सैम को कवर देना पड़ेगा और नेथन को चलाना पड़ेगा इस बोट को। अपने को इस तूफान से भी निकलना है और इन लोगों से भी बचना है। तो अब तुम लोग मेरी ड्राइविंग देखो और देखो कैसे। भाई सामने तो चट्टान वट्टान आ रही है यार, मैं अपनी पोजीशन बदल सकता हूँ। मार भाई, मार 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 मार, गोली मार इसको भाई भाई। अरे बाप रे भाई, मेरे ऊपर ही गिरते जा रहे हैं ये तो। गाइस सो ये है अनचार्टेड 4। भाई रुको, अनचार्टेड 4 ऑफ थीव्स एंड, जिसमें नेथन और सैम दो भाई हैं जो कि खतरनाक खजाने का खजाना लूटते हैं। और मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा, पहले मुझे इनको उखाड़ने दो। देख रहे हो कैसे भाई मैं बोट के साथ इनको कुचलते हुए जा रहा हूँ। भैंस की पलटा दी भाई, देख रहे हो तुम्हारे भाई की ड्राइविंग। ए आ जा, तेरी भैंस की फोड़ दिया। आओ आओ ले बेटा, कहाँ कहाँ पंगे ले रहा है फुफड़ के साथ। आ जा, गोली मार रहा है। अरे यार नेथन, तुम नेथन की ड्राइविंग को भूल गए क्या? रुक रुक रुक, अरे यार मैं दोनों के बीच में। अरे बाप रे, ओपे बड़ी बूट लेकर आ गया ये तो। ओ शिट, छत उड़ा दी मेरी। ए इसको तो फोड़ साले को। और किधर है? इधर से और भी बहुत आ रहे हैं गाइस। अबे ये क्या फेंक रहे हैं भाई, अबे ये क्या फेंक रहे हैं। बचना पड़ेगा इनसे, ये कुछ तो भाई मिसाइल जैसा हमला कर रहे हैं मेरे पे। तेरी भैंस की, गया गया। तो गाइस हम लोग ने अनचार्टेड 4 पूरी शुरू कर दी और मैं पानी के अंदर चला गया भाई। शिट, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल। भाई अपनी कश्ती पूरी बिगड़ गई। ओके कश्ती कहाँ गई? पलट गई मेरे ख्याल से। ओके ये सामने से क्या आ रहा है भाई? नीचे चल। शिट भाई, इसके पंखे में नहीं आना। बच गया भाई, क्या तेज प्रेशर था। ऊपर चल, अभी ऊपर 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 ऊपर। मेरे को भाई नेथन सैम को ढूंढना पड़ेगा और अपनी कश्ती। ये रहा सैम, चल 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 चल, रुक रुक रुक। सैम भाई मुझे पकड़, मुझे ऊपर खींच। गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये दोनों भाई फंसे गए, चल रहा हम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। तो क्या ये कह रहा है मुझे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक्चुअली सीन ये हुआ है कि ये दोनों आए हुए थे खजाने की खोज में। अरे रुको, अरे रुको, कवर ले भाई पहले। अरे भैंस की, गया एक तो। कर पीक, रिलोड कर ले भाई, तब तक आजा 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 आजा। गया। और भाई ये क्या चला रहा है? ओह उसने अपनी बोट के ऊपर ही हमला कर लिया भाई, निपटा दिया मैंने। रिलोड कर लेता हूँ। और आ गए भाई, चल कहाँ पंगे ले रहे हो तुम मेरे साथ, चुप जा भाई। ओए ये सामने कहाँ से आ गई बोट? एक और आ गई। मेरे पास ग्रेनेड नहीं है क्या? चल बेटा चल, गया भाई। देख रहे हो मेरा निशाना, देख रहे हो तुम लोग? और भी आ रहे हैं क्या? अबे बोट अपने आप भागी, हो गई सही। चल 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 चल, चल पकड़ जल्दी भाई, भगा ले यहाँ से, यहाँ से जल्दी निकलना है गाइस। तो इस गेम को अब हम लोग खेलने वाले हैं पूरा स्टार्टिंग से, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी की पूरी गेम दिखाने वाला हूँ और मस्त कमेंट्री के साथ एकदम स्टोरी समझाते हुए, कैसे हम लोग खजाना ढूंढेंगे, कैसे खजाने को लूटेंगे, और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। और स्टोरी इस गेम की इतनी जबरदस्त है ना, तुम लोग हैरान हो जाओगे कि भाई क्या स्टोरी है। पहले मुझे इन छपरियों को उड़ाने दो। अरे नहीं 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 भाई, गया पानी में। कुछ तो सीन हो गया यहाँ पर, कुछ तो सीन हो गया बहुत खतरनाक। ओके तो अब जो था वो मेन एक प्लॉट था इस स्टोरी का, ठीक है? तो अभी हम आ चुके हैं नेथन और सैम के बचपन में। ये है नेथन, मतलब बचपन में, जब ये एक अनाथालय में है, और जो इसके साथ खड़ी हुई है ये सिस्टर है, मतलब जो टीचर होती है ना उस टाइम की, उनको जो जो पढ़ाते हैं हॉस्टल वगैरह में, तो वो सीन है यहाँ पर। इसको डांट रही है, कह रही तूने लड़ाई क्यों करी किसी के साथ, लड़ाई वड़ाई करके आया है ये, इसको मार पड़ी हुई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये डांट रही है। ओके कह रहा सिर्फ मेरे को क्यों कह रहे हो? वो कह रही है तूने फाइट स्टार्ट करी। ओके कह रही सब तेरी गलती है। ओके तो ये कह रही है कि अगर तू तेरे से किताब खींचेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी मुक्के मारेगा तू। नेथन तो नेथन है, खून गर्म है भाई,
खून गर्म है दोनों भाइयों का, ठीक है, मगर ये अपनी गलती नहीं मान रहा। ओके, व्हाट, क्या कह रही है? कह रही, कह रहा मैं कन्फेशन जब करूंगा तो मैं उस टाइम बता दूंगा क्या बात है मेरे दिमाग में। चली गई। मतलब इसके भाई के बारे में कह रही है, इसके भाई को गलत बोल रही है। भाई कह रही, तेरा भाई तो एकदम वेस्ट है, वो तो किसी काम का नहीं है, नकारा है। मतलब सैम के बारे में इसको बोल के चली गई। अब इसको गुस्सा आ रहा है भाई उस चीज पे। तो ठीक है, वैसे ये भी यहां पर रहना नहीं चाहता। तो यहां पर देखो सिग्नल आ चुका है, सैम आ चुका है नेथन को हॉस्टल से भगाने के लिए। तो अपने को भी हॉस्टल से भागना है, जो हॉस्टल की ये प्रिजन है इसको अपने को तोड़ के आज भागना है। ठीक है, निकलते हैं। चल 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 चल, चल खोल दे खिड़की, निकल बाहर, चल भाई। तो गाइस अभी अपने को सभी टीचर्स और ये जो खतरनाक सी नर्स थी इन सब से बचते हुए निकलना है, और चलते हैं छतों के ऊपर से होते हुए एडवेंचर की ओर। मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। यहां से ऊपर चढ़ते हुए जाना है मुझे, पूरा दीवारों और छतों के ऊपर चढ़ते हुए एकदम स्पाइडरमैन की तरह जाना है। बस कोई देख ना ले अपने को, तब दिक्कत हो जाएगी अगर किसी ने देख लिया तो। उतर जा नीचे भाई, अभी अपने को जाना है फिलहाल के लिए सैम के पास, और फिर वहां से सैम अपने को लेकर चलेगा। यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा, यहाँ से चढ़ेगा, इधर से भी नहीं चढ़ रहा। तो फिर मेरे ख्याल से अपने को ये वाली, हाँ ठीक है, इधर से जाना है। ध्यान से भाई, चोट वोट मत लगवा लेना यार। चलो ठीक है, ए नीचे मत, नीचे नहीं गिरना, नीचे नहीं गिरना पूरा। ओके, यहाँ से आगे रास्ता है नहीं मेरे ख्याल से। तो ये विंडो ओपन है, मतलब अपने को विंडो के अंदर से जाना पड़ेगा। ओके, आराम से आराम से आराम से, बस खोल भाई दरवाजा, खोल, देख आगे क्या सीन है, कोई होना नहीं चाहिए, ध्यान से जाना। ओके, चल 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 चल, आवाज मत कर, बिल्कुल शांति से भाई। अभी प्रिंसिपल है ये, तो प्रीस्ट है, मतलब प्रिंसिपल प्रीस्ट सेम ही हो गया। ओके, वो जो नर्स है वो शायद इसके बारे में ही प्रिंसिपल को बता रही है कि वो जो नेथन है इसके बारे में बता रही है कि वो सही नहीं है। चल 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 चल, छुप जाए यहाँ पे, इनकी बातें सुननी है अपने को। ये क्या कह क्या रही है, मतलब क्या ऐसा कह रही है। ओके, प्रीस्ट बेचारा अच्छा लग रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक बार उससे बात करूंगा, खुद से उसकी बात सुनूंगा कि हुआ क्या था। तो ये फिर भी उसके बारे में कान भर रही है प्रोफेसर के, जो भी प्रीस्ट है। और ये इधर आ रही है यार, इधर मत आ, इधर मत आ, जा निकल निकल निकल, गई, ठीक है। ओके, कहाँ जा रही है ये, अपने इसके पीछे पीछे चलते हैं, अपने को यहां से निकलना है वैसे भी। क्या कर रही है ये? ओके, लैंप ऑन किया है इसने। अरे बाप रे, इसने देख तो लिया मुझे। ओके, वहां पर वो विंडो ओपन है, अपने को उस विंडो के थ्रू होते हुए बाहर जाना है। चल आगे, छुप जा, वो देख ना ले भाई। ऑल राइट, वो क्या कर रही है, वो गमले के अंदर से कुछ निकाला है उसने। अबे भाई, वो सिगरेट पी रही है यार, बीड़ी पी रही है वो। तो इसकी तो शिकायत करनी पड़ेगी, हम लोग बदला ले सकते हैं इससे अगर चाहे तो। इसके बारे में हम लोग प्रिंसिपल को बताएंगे कि यहां पर सीढ़ी गमले के अंदर ये बीड़ियां छुपा के रखती है। ओके, देखा नहीं है ये, देखो भाई कैसे धुआं उड़ा रही है ये भाई। इसकी कुटाई करवा सकते हैं अगर ये पकड़ेगी अपने को। चल भाई, चल चल चल, छुप जा। ऑल राइट, नहीं देखा उसने अपने, अभी तक तो नहीं देखा। ऑल राइट, ओ ओ ओ ओ, प्रिंसिपल आ गया। शिट, अब ये इस तरफ आएगी तो अपने को इस तरफ जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल इधर आ रहा है। छुप जा छुप जा छुप जा छुप जा, छुपा रहा है, उसको जाने देते हैं और अपन यहां से निकलते हैं फटाफट। निकल 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 निकल, बच गए। और गाइस वहां पर देखो सैम आ चुका है नेथन को बचाने के लिए, इसका भाई। तो ये इनके बचपन की स्टोरी है कि कैसे ये लोग यहाँ से निकले हॉस्टल से, और कैसे मतलब चोर बने, वो सब स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तुम लोग एक बार देखना शुरू करोगे तुम कहोगे कि भाई क्या बात है, क्या स्टोरी है। जंप, ठीक है, पकड़ ले भाई ऊपर, नाइस। ठीक है, आप लोगों को गाइस कैसा लग रहा है गेम प्ले, कमेंट करके बता देना एक बार सारे बंदे। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, क्योंकि अब से ये पूरी गेम मैं खेलने वाला हूं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। गिरना मत गिरना मत गिरना मत, बे, 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 आराम से। इसमें इतना वजन है नहीं, मगर इसने भाई पाइप उखाड़ दी। चढ़ जाओ ऊपर। ओके, और ये टॉर्च से पड़ी हुई है भाई। सैम कहाँ गया? और यहाँ पर देखो जियो का टावर लगा हुआ है। अरे कहाँ गया भाई? भाई यही तो था ये, देखो उसका बैग तो पड़ा हुआ है। मैं बैग उठा लेता हूँ एक बार, बैग के अंदर क्या है भाई? उठा, उठा ली उठा ली उठा ली, टॉर्च पड़ी हुई है भाई यहाँ पर। ये भाई पीछे से आके डरा दिया। देखो तो भाई इनकी शक्ल भी कितनी इन्होंने मिलती जुलती बनाई है ना। सैम तो बिल्कुल हूबहू लग रहा है जैसा कि बड़ा होने के बाद होता है, वैसे दिख रहा है। ओके, कह रहा है ये तेरे को क्या हुआ, किसने मारा है? ओके, इसका भाई
कह रहा है मेरी लड़ाई हो गई थी स्कूल में लड़कों के साथ, वो कुछ तो छीटी बातें कर रहे थे तुम्हारे बारे में और हमारे मॉम डैड के बारे में, इसलिए मैंने धो डाला उनको। तो मेरे को लग रहा है सैम फिर इसको यहां से आज लेकर ही जाने वाला है, लेट्स गो। और यहां पर कह रहा है ठंड है भाई तू जैकेट पहन ले भाई। कितना बढ़िया भाई है इसका यार, कितनी केयर करता है अपने छोटे भाई की, है ना, बड़ी प्यारी चीज लगी मुझे ये। चलो ठीक है, चलो कह रहा है अपने को चलना है कहीं तो लेट्स गो। पुलिस वुलिस नहीं आई कह रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है पुलिस की, कह रहा है चलते हैं ठीक है लेट्स गो। चलो अपने को अभी सैम को फॉलो करते हुए जाना है, सैम जिधर जिधर जाएगा भाई हाथ पकड़ ले मेरा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा ऊपर तक, पकड़ ले हाथ पकड़। हाँ गिर मत जाइयो भाई, तू भी गिर मत भाई, मेरे ऊपर मत गिर जाना। चलो 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 चलो, चढ़ गया भाई बहुत बढ़िया, लेट्स गो अभी चलते हैं आगे। हाँ चलो जंप ओए बच गए, लेट्स गो ठीक है भाई। अगर मगर सैम थोड़ा बड़ा है ना तो वो पावरफुल है भाई, वो आराम से जंप कर दे रहा है, और नेथन को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जंप करने में, उतना लंबा जंप नहीं कर पा रहा है ये ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट फट्टा पकड़ना है, क्या क्या करवा रहा भाई मेरे से, तू मेरे को गिरवा मत दियो यार। चलो आ रहा हूँ दोस्त आ रहा हूँ। ओके नीचे वो देखो वैन वैन जा रही है भाई, ध्यान से वो वैन जा रही है देखो सड़क पे। हाँ हाँ इजी तो है, फटी पड़ी है मेरी, तू कह रहा है इजी है, ये कांच तो नहीं है ना, ठीक है लेट्स गो। अब क्या भाई, अरे यार दरवाजा लॉक है यहाँ पर यार, यहाँ से नीचे उतरना था सीढ़ियाँ और दरवाजा बंद है, अब क्या कैसे जाएंगे अब यहाँ से। कह रहा मैं इसको खोल के आया था मगर किसी ने बंद कर दिया शायद उस तरफ से, लॉक लगा दिया। कह रहा मैं इधर से आया था, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है अपने को अभी हाई रोड लेना पड़ेगा, हाई रोड मतलब स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा और छतों के ऊपर से जाना होगा, तो ठीक है ये तो और इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, करते हैं। कैसे करना है भाई थोड़ा सिखा दे मुझे। ओके रस्सी लगा दी ऊपर और रस्सी के जरिए भाई चढ़े जा रहा है स्पाइडरमैन की तरह। तू तो चढ़ गया दोस्त, मैं कैसे आऊंगा, मगर ट्राई करते हैं हम लोग भी चढ़ जाएंगे यार। चलो लेट्स गो, चल भाई ऊपर। ओके होल्ड करके रखना है और ऊपर की तरफ चलना है, चढ़ते जाना है चढ़ते जाना है चढ़ते जाना है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस आप लोग मुझे ये बताओ कि जो एपिसोड है अभी तो देखो पूरा मैं खेलने वाला हूँ अनचार्टेड, है ना, तो मुझे बता दो एपिसोड में लेंथ कितनी रखूँ, 20 मिनट 40 मिनट एक घंटा कितनी लेंथ होनी चाहिए, है ना, तो मुझे वो चीज़ बता दो ठीक है। ये वाला मैं देखता हूँ कितना खेलना है उस हिसाब से, बट अगले वाले पार्ट के लिए आप लोग मुझे बता देना कि कितना लंबा पार्ट आपने को चाहिए। ओके नीचे आ जा, और ये भाई गिर मत जियो भाई, ठीक है बहुत बढ़िया वेल डन, चल चढ़ जाओ ऊपर ठीक है भाई। सामने देख रहे हो गाइस, सामने एक क्लॉक टावर है, और हुए भाई हुए रुक जा, अबे अरे भाई पीछे 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 गिर मत जियो भाई, अबे ये बहुत ज्यादा लंबा है भाई, कह रहा है जंप कर दे, पागल वागल है क्या भाई तू, मैं नहीं आ रहा गाइस, क्या करें जंप करना चाहिए भाई, मैं देखो जंप कर रहा हूँ, गुड लक बोल दो सारे बंदे मुझे कमेंट में, गुड लक लिख रहे हैं सभी को, अगर थोड़े से सुस्त होता जीएल लिख दो, जीएल गुड लक ठीक है, सभी लोग लिख दो एक बार। ओके ठीक है भाग के जंप करना पड़ेगा मुझे, गुड लक की जरूरत है, डर तो लग रहा है बट क्या करें, जंप पकड़ लेना भाई, पकड़ लिए भाई बच गए यार, भाई देख रहे हो नीचे कितना गहरा था, अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ता वो मैं जाता नीचे ठीक है, बच गए भाई। हाँ चल ऑल राइट आ रहा हूँ चल दोस्त। ओके ओके तो ये क्लॉक टावर के ऊपर से जाना भाई, रास्ता यहाँ पर कितना खतरनाक है। तो गाइस देखते हैं आप में से किस किस को रोमन क्लॉक पे टाइम देखना आता है, इस वक्त इस घड़ी पे कितना टाइम है ठीक है, सब लोगों को कमेंट करना है फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और यार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या टाइम था और आपका कमेंट भी पिक करूंगा ठीक है। आप लोगों को बताना है कि इस वक्त घड़ी पे कितना टाइम है, कितने बज के कितने मिनट एग्जैक्ट हुए ठीक है, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। चल भाई ओके कूल, तो भाई तेरे को लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है डर, ये कह रहा है कि कितना कूल है यहाँ से ठीक है भाई, शहर वहर तो बाकी काफी बढ़िया लग रहा है। चलो डन ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर अपने को जाना है नीचे से बैठ के। ओके भाई पता नहीं आज सैम क्या क्या करवाया जा रहा है, कह रहा है आगे एक लंबा जंप करना है ठीक है, आ रहा हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं है। ओके ये हम लोग घूम फिर के वैसे पहुंच कहां गए। ओके आगे यहां पर भाई करना है जंप खतरनाक वाला, ओ भाई ओके इस वाले पिलर के ऊपर झूल के जाना है क्या, ट्राई करते हैं, ये क्रॉस बना हुआ है करते हैं जंप, पकड़ लेना भाई प्लीज। ओके थोड़ा इधर आ जा, ओके मुझे स्विंग करना पड़ेगा ठीक है, वन टू
और जंप, ए बच गया यार। आगे क्या? ओ ऊपर देख रहे हो एंटीना, ये पुराने जमाने का एंटीना। ओके कह रहा है कि तू पहले जा, ठीक है, रस्सी पकड़ के मुझे स्पाइडरमैन की तरह झूल के जाना है भाई। ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लूंगा मैं, इजी चीज है। जहां जाना है जंप करना है और थोड़ा सा स्विंग करके अपने को सामने वाली छत पे पहुंचना है, इजी है। 1 2 3 जंप, और पहुंच गए भाई। मैंने इधर पेंट पड़ा हुआ था, गिरा दिया। आजा भाई सैम, भाई तो आराम से आ गया, बट भाई मेरी तरह जंप नहीं कर पाया वो। अब क्या भाई कहाँ गया? अरे अच्छा ये रहा। ए ओके, मेरे को लग रहा है सैम का तो इधर डेली का आना जाना भाई, इसको पूरा रास्ता भी याद है और आराम से जा पा रहा है ये तो। मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रही है हालांकि। चल भाई आ रहा हूँ, बढ़िया ठीक है। ओके 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 गाइस, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके इधर से मैं हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो कह रहा है तू कॉर्नर घूम के आ जा इस तरफ से। ठीक है मैं आ जाता हूँ, बस कुछ टूट फूट ना जाए, मेरे को यही डर है। लकड़ियां देख रहे हो कितनी, अरे भाई चढ़ जाओ ऊपर। ठीक है ये आ गया मंदिर, मतलब चर्च का घंटा, मंदिर कह रहा हूँ मैं, चर्च के दो बड़े बड़े घंटे हैं। ओके हाँ भाई, शहर का व्यू तो वाकई में बाकमाल आ रहा है। ओके ऑल राइट, यहां से अपने को चढ़ना है ऊपर की तरफ। ओके यहां पर हम लोग नहीं जा रहे, कह रहा है कहीं और जा रहे हैं। ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गिरना नहीं है भाई, आराम से आराम से आराम से। वैसे भाई इनके हाथ काफी मजबूत है यार, क्योंकि ये लोग आराम से जा पा रहे हैं यहाँ पर भी देखेंगे तो। ओके क्या करना है? कह रहा है मेरे को देख। ए ओके ओए 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 भाई पहुंच गया। ओ भाई मतलब यहाँ पर अपने को इस वाली छत के ऊपर स्लाइड करते हुए जाना है और फिर वहां पर जंप करना है। ठीक है ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है भाई। ओके करेंगे, बट करेंगे अपन, डरते थोड़ी हैं अपन, बिल्कुल नहीं डरते, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। ओके ठीक है आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। 1 2 3 लेट्स गो। ओके ओके जंप पकड़ भाई, नहीं आ पाऊंगा भाई, नीचे ग्रिल्स थी यार। भाई बच गया, बच गया यार, ये वाला जंप बहुत खतरनाक था गाइस, वाकई में ये वाला जंप बहुत खतरनाक था, बट ठीक है कर दिया मैंने, कर दिया भाई कर दिया, बहुत ही बढ़िया। चल आगे चलते हैं अभी, आगे क्या? ओके तू आगे रह भाई, तू आगे चल मेरे, हाँ मैं तेरे को फॉलो कर रहा हूँ, तू आगे आगे चल। वैसे पहुंच ही गए हम लोग यही वाली स्ट्रीट पे, तो अपने को आना था। अब क्या करना भाई? हाँ ये कह रहा रस्सी ले ले, और मेरे को कह रहा कि तू रस्सी लगा के पहले जा। ठीक है मैं जाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने खतरनाक रास्तों से आया हूं तो मैं कर लूंगा, टेंशन मत ले, पकड़ा रस्सी तू सीधा। ओके सामने वाले खंबे के ऊपर भाई, एक एक बात तो बता, उसमें करंट तो नहीं है ना? है वैसे नहीं होगा, तभी इसने मुझे रस्सी दी, अगर करंट होता तो ये मुझे ना बताना। चलो ठीक है करते हैं जंप, 1 2 3 जंप करके रस्सी लगानी है, लग जा, लग गई भाई, सही टाइम पे रस्सी लग गई, नहीं तो ये दीवार में अटक जाता मैं। चलो अपने को अभी आगे जंप करना है, पकड़। ओके इजी था, बहुत इजी था, आजा भाई तू भी आ गया मग। ठीक है ठीक है ठीक है आजा, पहुंच गए भाई पहुंच गए। अब क्या ये वाली सीढ़ी? ठीक है ओके आजा नीचे धीरे धीरे। चलो भाई हम आ चुके हैं गाइस नीचे, क्या बात है, आजा भाई लेट्स गो। इजी था भाई, बिल्कुल इजी था, आराम से हम लोग, पर कितना घूम के आना पड़ा, क्योंकि ये जो जिस भी हॉस्टल में था, ये स्कूल में चर्च में जो भी था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, हमें पूरा घूम के यहाँ पर बाहर आना पड़ा। और यहाँ पर भाई सैम बाइक लेकर आया है, 500 CC जिसका इंजन है यार, ये कौन सी बाइक जैसी लग रही है वैसे? कमेंट करके बताना किस किस को पता है ये कौन सी बाइक है, इंडिया में भी अपने इस तरह की बाइक यूज करी गई है या आती है शायद अभी भी, तो बताओ कौन सी बाइक लग रही है ये, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। चलो ओके नेथन यहाँ पर थोड़ा सा उदास लग रहा है। ओके कह रहा है तू बहुत स्मार्ट है भाई, कुछ जॉब मिली है कह रहा है मेरे को। ओके मेरे को पैसे मिलते हैं कह रहा है उस जॉब के, मेरे को थोड़े टाइम के लिए जगह छोड़ मिलते हैं, तो पर किस तरह का काम मिला है तुझे और कितने टाइम के लिए जाना है? कह रहा है 1 साल के लिए। ओके ओ भाई कह रहा है ये ऑलरेडी इतना बुरा नहीं था, तूने मुझे वहां छोड़ा, अब तू मुझे फिर से यहाँ छोड़ के जा रहा है 1 साल के लिए। ओके कह रहा है मैं अपने दोनों के लिए पैसे कमाने जा रहा हूँ, कुछ सालों की बात है और मैं पैसे कमा के वापस आऊंगा और फिर हम लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। ओ कह रहा है मैं तेरी हेल्प करूंगा यार, तू मुझे साथ ले जाए।
ओके, कह रहा अभी तेरे लिए ये मेरे साथ चलना सही नहीं है, कह रहा मैं तेरे को मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अरे यार नेथन, कह रहा अपनी जिंदगी में तो कुछ भी फेयर नहीं हुआ यार, बट हम लोग कर लेंगे कुछ ना कुछ जिंदगी में, टेंशन मत ले। बट बड़ा है भाई सैम भी सही कह रहा है, कुछ हद तक तो सही कह रहा है। ओके, कह रहा यही सरप्राइज था जो मैं तुझे लेकर आया था, तो वो ठीक है। ओके, कह रहा पापा ने जो जो भी बेचा मैंने सब चीजें ट्रैक करी, तो मम्मी का अपने को सामान मिल सकता है। ओके, दूसरी साइड, शहर की दूसरी तरफ वो जगह है जहां पर मम्मी का पूरा सामान है, इन दोनों की जो मम्मी है। ओके, कह रहा है अपन चल रहे हैं वहां पे सीधा, वो जो डायरी है, जो डायरी मतलब सामान है जो भी इसकी मम्मी का, वो सामान लेने अपने को चलना है। तो कह रहा है पुलिस वुलिस पकड़ लेगी तो गलत सीन हो जाएगा, मगर कह रहा कैसे पकड़ेगी, पुलिस नहीं पकड़ेगी। और यहां पर गाइस आ चुका है सीन जेल का सीधा, मतलब कट हो चुका है, काफी साल बाद हम लोग आ चुके हैं एक जेल वाले सीन में, जिसमें कि सामने हमें नेथन नजर आ रहा है, और हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी हो चुकी है 20 मिनट के आसपास की। तो मैं सोच रहा हूँ यहां पर हम लोग इस वाले एपिसोड को एंड कर दें, और नेक्स्ट एपिसोड हम लोग करें कंटिन्यू आगे की स्टोरी जो भी है ना। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और बाकी कंटिन्यू करेंगे स्टोरी, कितने टाइम का एपिसोड आपको चाहिए वो भी मुझे बता देना, तो अगला एपिसोड हम उस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ये रहा इंस्टाग्राम का लिंक, जाओ फटाफट से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।